कैमूर जिला प्रशासन की लापरवाही से करोड़ों रुपए का 4000 क्विंटल गेहूं पानी में भीज रहा। बारिश का मौसम किसानों एवं सरकार के लिए मुसीबत लेकर आई। गेहूं उपार्जन केंद्र से परिवहन न होने के कारण सरकार को होगा करोड़ों रुपए का नुकसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में 4000 क्विंटल गेहूं पानी में भीगा। मामला थाना नसुलागंज की सेवा सहकारी संस्था तिलाड़िया का है, जहां की किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं खुले आसमान में पड़ा है। तिलाड़िया सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह पंवार का कहना है कि तुलाई केंद्र से वेयर हाउस में ले जाने के परिवहन की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नसुलागंज SDM को दो बार पत्र लिखकर अवगत कराया कि तिलाड़िया उपार्जन केंद्र में किसानों से खरीदे हुए गेहूं का परिवहन कराया जाए। मौसम खराब है, पानी गिरा तो सारा गेहूं पानी में गीला होकर सड़ जाएगा, लेकिन प्रशासन ने परिवहन नहीं करवाया और अचानक लगातार आंधी तूफान के साथ बारिश होने से 4000 क्विंटल गेहूं पानी में सड़ रहा है। नसुलागंज SDM को लिखे पत्र में समिति द्वारा लिखा गया है कि तिलाड़िया उपार्जन केंद्र में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की मात्रा लगभग 4000 क्विंटल रखा है, जिसका परिवहन होना बाकी है। क्या इस बार गेहूं बारिश के बाद उठेगा या पूरी कोशिश के बाद भी हम उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाएंगे? अभी तक गेहूं का परिवहन हो जाना चाहिए था, लेकिन सारी परेशानी का सामना करते हुए समिति बहुत ही परेशान है। यदि किसी प्रकार का नुकसान मौसम के कारण होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी एवं संस्था की नहीं रहेगी। चेयरमैन होने के नाते अवगत कराना चाहता हूँ सभी शासन और प्रशासन को। आज हमारे तिलाड़िया सेंटर पे 4000 कुंटल गेहूँ पड़ा हुआ है, जो बरसात होने के कारण से सब बोरियाँ भीग चुकी। हमने कई दफे शासन प्रशासन से आवेदन किया, निवेदन किया, मौखिक चर्चा हुई, फोन से चर्चा हुई, इसके बाद भी हमारा माल सड़ने की कंगार पे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिससे हमने आवेदन नहीं किया होगा, निवेदन नहीं किया होगा, जिससे ये स्थिति बनी है। अगर ये माल उठ जाता तो आज हमारे साथ ये स्थिति नहीं बनती। आज हमारे कर्मचारी से लेकर चौकीदार वगैरह सब परेशान है। ये टेंट के नीचे पन्नी में रह रहे हैं बेचारे, बरसात हो रही है, बोरियां भीज रही है, अब हवा के कारण पन्नियां पूरी फट चुकी है, धूप के कारण बोरियां फट चुकी है। ये सारी स्थिति हमने हमारे ब्रांच में DR ऑफिस सब दूर ये अवगत करा दिया, उसके पश्चात भी ये स्थिति बनी हुई है। आप खुद देखिए, ये स्थिति है, पूरा माल बिक चुका है, हवा से पन्नियां उड़ रही है और भी लाला के हमारे आदमी कर रहे व्यवस्था जैसे तैसे। हम तो हमारे तरफ से व्यवस्था बना रहे हैं, अभी इस पे जो भी हमारी संस्था को नुकसान होता है उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है।